मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जयम जय जैनम जयति सुषिनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पूजनीय अपक्षरण मणि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। कोई भी अच्छी वस्तु होती है तो हम उसकी अच्छाइयों से प्रभावित होते हैं और भाव भी करते हैं कि हम अच्छा बन जाएं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि फल अच्छा है तो बीज भी अच्छा होना चाहिए और अच्छे बनने के लिए एक जन्म की नहीं कई जन्मों का संस्कार जब मिलता है तब कोई अच्छा आदमी बनता है। अच्छा क्षेत्र अच्छी कुल और जाति जन्म जन्म के पुण्य से हो। बिना पूंजी लगाए व्यक्ति ग्रस्त से इनकम नहीं कमा सकता। वर्तमान जीवन कमाने के लिए है लेकिन हमें अतीत की कुछ पूंजी चाहिए। यदि पूंजी नहीं है तो कमाने की मात्र कल्पना मात्र है। जैसे एक व्यापारी अपनी पूंजी लगाता है पहले स्वयं की, बाद में फिर वो कमाता है, बाद में वो बड़ा आदमी बन जाता है। आपके पास कुछ भी पूंजी नहीं है, कुछ भी पूंजी नहीं है, फिर आप कितने भी बड़े आदमी को देख देख करके मन बिगाड़ते रहें कि मैं कब अच्छा बनूंगा कब बड़ा बनूंगा, नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पूंजी तो है ही नहीं। अब मात जिंदगी चला सकते हो मजदूरी करके, मात जिंदगी चला सकते हो जिंदगी के जीने के लिए। मात जिंदगी ऐसे चल जाएगी कोई अच्छा बनने के लिए कोई एकाध छोटा सा नियम ले लोगे, नहीं ले पाओगे। कभी गुरु मिल जाएंगे और पूर्व जन्म के तुम पापी हो, पूर्व जन्म का कोई पुण्य तुम लेके नहीं आए हो, तो पहली बात तो तुम्हारा अच्छा होना कल्पना मात्र। कोई भी पूंजी तुम्हारे हाथ में नहीं है तो कमाने का भाव करना कल्पना मात्र। सेक चिल्ली जैसे तुम कमाते रहो कुछ हासिल होने वाला नहीं। इस दुनिया के संबंध में देखें, जन्म जन्म का पापी व्यक्ति जन्म जन्म की बुराइयों से भरा हुआ व्यक्ति जन्म जन्म के कुसंस्कारित व्यक्ति कुछ अच्छा नहीं पाएगा। पूंजी ही खोटी है, खोटा देश पाएगा, खोटा कुल पाएगा, खोटा परिवार पाएगा, खोटे बेटे पाएगा, खोटी पत्नी पाएगा, खोटे माँ बाप पाएंगे, खोटा तुम्हारा पड़ोसी होगा, खोटा तुम्हारा मोहल्ला होगा, खोटा तुम्हारा धंधा होगा, खोटा तुम्हारा खान पान होगा, खोटी तुम्हारी आँख होगी, खोटा तुम्हारा मन सोचेगा,
खोटी बातें तुम्हारे कान सुनेंगे, खोटा तुम्हारा मुख बोलेगा, तुम जो कुछ भी होगा सब खोटा ही करोगे। शास्त्रों में नारकियों के संबंध में लिखा है, इतने पाप करके जाते वहाँ भी शुभ क्रिया करना चाहते लेकिन अशुभ हो जाते, वो भी क्रिया कर सकते। मन में भाव आता मैं अच्छी भी क्रिया करूं, लेकिन जब चिंतन करते हैं तो बुरी भी क्रिया हो जाती। वो बोलना अच्छा चाहते लेकिन ऐसा बुरा निकलता है कि सामने वाला झगड़े को तैयार हो जाता है। उनका मन होता है कि मैं अच्छा बोलूं लेकिन उल्टा ही निकलेगा, खोटा ही निकलेगा। उनके साथ कोई अच्छा करे तो उसके साथ बुरा ही करेगा। ऐसा एक उदाहरण आता है कि एक माँ अपने बेटे को काजल आस्ती है जबरदस्ती। माँ बेटे दोनों नरकों में पहुंचे, वहां पर जाकर के उनको अवध ज्ञान हुआ है। देवते ने बताया, तू खड़ा है यहाँ सामने, देखे तेरा सामने दुश्मन खड़ा है, इसने पूर्व जन्म में तेरी आंखें फोड़ी थी। वो कहता है इसने आंखें फोड़ी थी, वो अवध ज्ञान लगाता है कि ये तो तेरी माँ मेरी माँ थी। तो वो जो दूसरा देव है वो कहता है, अथवा कु अवध ज्ञान से दिखता है, अरे ये माँ नहीं थी, माँ के भेष में तेरी दुश्मन थी। कैसे? देख तू चिल्ला रहा था, रो रहा था, और ये तुझे छोटे बचपन में अपने पैरों के नीचे दबा करके, हाथों को पकड़ करके, देख अपनी उंगली तेरी आंखों में डाल रही थी। आंखें आती ना काजल लेकर के, यूं तो अभिप्राय तो पकड़ा नहीं, पर वो देव और बच्चा काजल आते समय रोता है, तो उसने अवध ज्ञान लगाया। बोले हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तड़प रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, और ये मुझे जबरदस्ती पकड़ करके और उंगली का एक्शन कैसा दिखा, आँख की तरफ जाते, देख ये आँख तेरी फोड़ने के लिए उंगली जा रही है, ये आँख फोड़ रही है। उसने कहा अरे दुष्टन माँ, तू मेरी माँ होकर आँखें फोड़ रही है। और वो नारकी जाकर उस माँ के जीव की दोनों आँखें फोड़ देता है गरम सलाई से। बोलो कितना पवित्र थी माँ, काजल आंचती है तुम्हारी आँख को ठीक करने के लिए, तुम्हारी आँख को ज्योति करने के लिए। लेकिन खोटे आदमी के साथ अच्छा भी करोगे तो वो बुरा ही सोचेगा। सांप को दूध पिलाओगे तो वो जहल ही उगलेगा। बोलो उसने माँ की आंखें फोड़ दी, बुरे आदमी से बुरा ही होगा, क्योंकि वो नारकी इतना गंदा होकर इतने गंदे संस्कार लेके गया, उसे कुछ अच्छा दिखते ही नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, सब चीज बुरी ही बुरी दिखती है। इसलिए कोई भी चीज की संस्कार को ये मत सोचो कि हम तुरंत संस्कार पालेंगे। पूंजी बनाओ, पूर्व भव में थोड़ा बहुत कर भी लिया तो मनुष्य बन जाओगे, लेकिन खोटी जाति में खोटे कुल में पैदा हो जाओगे। कुछ नहीं वहां, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई गुरु नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि अच्छे गुरु तुम्हें मिल ही नहीं सकते। वह कुचित कदाचित तुम खोटे कुल खोटी जाति खोटे परिवार में पैदा होकर के गुरु मिल भी जाएंगे तो उनका पूरा लाभ नहीं ले पाओगे। एक आध मछली को त्याग दोगे। देखो धीवर को गुरु मिले
परम गुरु मिले, क्या लाभ ले पाया? एक मछली त्याग पाया। कितना बड़ा, कितने दुर्लभतम गुरु की बात कल मैंने कही थी। बर्बरीक का तुम्हें उदाहरण दिया था, जिन गुरु के मिलने पर, सच्चे गुरु मिलने पर व्यक्ति अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, कुछ शेष नहीं रखता, सब कुछ, कुछ भी करना पड़े बस मैं गुरु को नहीं छोड़ पाऊंगा। गुरु मिल जाए तो जितने कार्य गुरु से साधे जाते हैं वे सब सधवा लेना चाहिए। अच्छा निमित्त मिलने पर अपनी पूरी इच्छाएं पूरी करो, क्योंकि अच्छा निमित्त मिला है। अच्छे निमित्त की सबसे बड़ी पहचान है, तुम अच्छे निमित्त को जानते हो क्या? कैसे जाने? जब अच्छा निमित्त मिले तो इस निमित्त से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, तुरंत दिमाग लगाओ, क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, ये सब कार्य कर डालो। भगवान के मंदिर जाकर के दर्शन करने से क्या क्या कार्य होते हैं, शास्त्रों में पढ़ो, क्या क्या लाभ होता है, सारे लाभ ले डालो, क्योंकि अच्छा निमित्त का कोई भरोसा नहीं है, आज मिले और कल ना मिले। बुरे निमित्त तो जगह जगह भरे पड़े हैं, अच्छे निमित्त का कोई भरोसा नहीं। भगवान मिल गया है तो कर डालो, जो जो भगवान जिस निमित्त बनते हैं, भगवान किन किन के लिए, किन किन कारणों से मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में जाने के पहले सोचो, भगवान को मंदिर में क्यों बैठा लगाया? क्या भगवान को कहीं जगह नहीं मिली इसलिए? किस लिए, क्या कारण, क्या पर्पस है? सदनिमित्त क्यों बनाया गया, मंदिर क्यों भगवान को बुलाया गया? ये सारी की सारी लिस्ट आपके पास होना चाहिए। और फिर संकल्प करो, जिन जिन कारणों से ये मंदिर बना है, जिन जिन लाभ लेने के लिए मंदिर बना है, भगवान के मिलने पर क्या क्या कार्य करना चाहिए, वे सब कर डालो। मंदिर बनने के बाद क्या क्या कार्य करना चाहिए, मंदिर में जाके क्या क्या कार्य करना चाहिए, सब कर डालो। पता नहीं कल मंदिर आ भी पाओगे या नहीं। धर्म क्रिया को, अच्छे निमित्त को बहुत छोटा मानना, कोई भरोसा नहीं। जो आज अच्छा निमित्त मिला है, आज तुम मंदिर में आए हो, कोई भरोसा नहीं कल आ भी पाओगे कि नहीं। अंतिम मानना चाहिए, बस मेरा अंतिम दर्शन है, अंतिम दर्शन है बस, इसके बाद पता नहीं। हर दिन भगवान का दर्शन अंतिम मान के करना चाहिए, भावना करना चाहिए पुनः दर्शनम भूयात, लेकिन निर्णय नहीं। अब कोई व्यक्ति जब अंतिम रूप होती है तो कितनी भी शुद्धि बढ़ जाएगी तुम्हारी, कितनी भी शुद्धि बढ़ेगी। अब आज मन नहीं लग रहा, कल कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, भगवान भाग थोड़ी रहे। और ये पता चल जाए, देख ले भाई आज अंतिम है तेरा, इसके बाद भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, फिर देखो कि शुद्धि क्या है। माला फेरते समय तुम एक माला फेर के ना, बस अंतिम माला है, जरूरी नहीं कि दूसरी बार नमोकार मंत्र पढ़ पाऊंगा। कितने लोग श्वास ले लेते हैं लेकिन लौट के नहीं आ पाते और चले जाते। अंतिम बार पढ़ रहा हूं नमोकार मंत्र, देखो कितनी भी शुद्धि बढ़ती है। अंतिम पूजा हो रही है, बस आज अंतिम अभिषेक है, इसके बाद कोई भरोसा नहीं कल मिले या ना मिले।
अंतिम है। साधु हम लोग हमेशा अंतिम सामायिक करते हैं, पता नहीं शाम की सामायिक होगी या नहीं होगी। आज अंतिम सामायिक है, अंतिम प्रतिक्रमण है, और कल फिर मिल जाए तो फिर अंतिम। जिंदगी का प्रत्येक शुभ क्रिया में अंतिम मानना चाहिए, शुभ जितनी क्रियाएं बस अंतिम मानना चाहिए, कल का कोई भरोसा नहीं। क्योंकि सदनिमित्तों की उपलब्धि का काल बहुत छोटा होता है। सदनिमित्तों की उपलब्धि माचिस की काड़ी के समान होते हैं। जैसे माचिस की काड़ी जलती है कितनी देर, बस उस माचिस की काड़ी से दीप जला लो, निमित्त की उम्र माचिस की काड़ी के समान है। और निमित्त को यदि लाभ ले लिया तो स्वयं के दीपक के समान है। माचिस की काड़ी कितनी देर, और यदि उससे अपना दीपक जला लिया तो दीपक कब तक, जिंदगी भर, जन्म जन्म तक घी डालते जाओ, बातें ठीक करते जाओ, जलता रहे। निमित्त माचिस की काड़ी के समान मिलता है, तुरंत दीप जला लो और वो दीप कुछ नहीं करना, घी डालते जाना, बाती को ठीक करते जाना, बताओ दीपक कब तक जल सकता है। अखंड दीपक। और तुम ऊपर चले जाओ तो भी दीपक जलता रहेगा, बेटा कर लेगा तो वो जलाता रहेगा। यानी पता चले कि जब तक सूरज चांद है तब तक दीपक जल सकता है, एक बार का जलाया हुआ। जब तक वंश है जलता रहेगा, पीढ़ी है जलता रहेगा, बस अब दीपक जलाना नहीं है, दीपक को सुरक्षित करना है। हवा आए तो चिमनी लगा दो, घी कम हो जाए तो घी डाल दो, बारिश कारोच हो जाए तो उसको थोड़ी साफ कर दो, जलने दो। अब कोई जरूरत नहीं है निमित्त की, अब माचिस की काड़ी की जरूरत नहीं। कितनी अखंड ज्योतियां जल रही हैं मंदिरों में, कई जहां एक बार जली थी माचिस की काड़ी से, उसके बाद आज तक वो बुझी ही नहीं। एक मंदिर के स्थान में किसी ने बताया था कि माली ने उसने कि महाराज ये अखंड ज्योति कभी बुझी नहीं, एक बार माचिस की काड़ी जली थी। मैंने कही फिर घी बोली घी पलट देता हूँ। मैंने कहा दूसरी बाती, तो बोले जब ये बाती खराब होती है तो दूसरी बाती बना करके मैं जला देता हूँ और उसको निकाल के कर साफ कर देता हूँ और जल जाता। माचिस की काड़ी नहीं लगी, अखंड ज्योति। बस अपने जीवन में भी एक ऐसी, इन सदनिमित्तों के मिलने पर एक ऐसी अखंड ज्योति जल जाए कि बस जन्म जन्म तक हमारे जीवन में प्रकाश आ जाए। हो सकता है, बस हो सकता है, बस यही मानना है। सदनिमित्त मिला है, कितने कार्य कर सकता है। एक गुरु के मिलने पर कितने कार्य हो सकते हैं। तुम अपनी तरफ से मत देखो मुझे कितने कार्य करना है, तुम सोचो गुरु से कितने कार्य हो सकते हैं। गुरु के निमित्त मिलने पर बेकार सारे कर डालो। कितनी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं वो कर डालो। कितनी ऊंचाइयां मिल सकती हैं पहुंच जाओ। कितना गुरु से लिया जा सकता है ले लो। पता नहीं कल गुरु मिले या न मिले, कुछ नहीं। तो इसके लिए हम भगवान जितने चीजों दे सकते, भगवान निमित्त बन सकते, वो सब कब ले में, वो बुद्धि कब आए, वो शक्ति कब आए। गुरु जो देना चाहते हैं जितना दे सकते हैं उसको लेने की शक्ति कब आए, कब मेरी बुद्धि ऐसी हो। साथ जिनवाणी माँ जो हमें देना चाहती है वो सब मैं ले लूँ,
जिन वाणी के जो जो पन्ने पे लिखा है वो सब मैं कर डालूं, जिन वाणी की हर इच्छा पूरी करूं। ये दिन कब आएगा? जिन वाणी ने जो लिखा है वो सब मैं करूंगा, क्योंकि मेरी माँ है, मैं माँ की हर इच्छा पूरी करूंगा। गुरु भगवान मेरा जगत पिता है, मैं इनकी हर इच्छा पूरी करूंगा, जो भी इच्छा है करूंगा। महाराज जी नहीं कर पाए तो नहीं, बीड़ा उठाओ, करूंगा। नहीं कर पाए तो छोड़ो, तुम इस बात पर क्यों सोचते हो? यदि तुम इस बात पर सोचते ना, घर से निकल के मंदिर आए और तुम सोचते कि मैं मंदिर नहीं पहुंच पाया तो कहां बैठे होते? सुरेंद्र जी, भारती जी, क्या पता ललितपुर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, तो अपन तो बुरहानपुर से निकलते ही नहीं है, तो कहां बैठे रहते? संदेह मत करो, विश्वास ये करो कि पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। हम नहीं पहुंच पाए तो ठीक है, कुदरत। हर व्यक्ति घर से निकलकर ये सोचता है कि मेरी गाड़ी पंचर होगी, वो ये भी कह देता, देखो भाई इतने किलोमीटर है, इतने घंटे में पहुंच जाऊंगा। संदेह बोलते ही नहीं। जब किसी ने कहा भाई ये कितने घंटे में आ रहे हो, बोले बस इतने बजे आ जाऊंगा, उसमें समय बोलते हो, देखो भाई इतने घंटे में आ जाऊंगा, यदि पंचर हो गई तो इतना घंटे नहीं बोला करो, तो भाई पंचर हो गई तो इतने घंटे, जाम हो गई तो इतने घंटे, और एक्सीडेंट हो गया तो। मुझे पता नहीं ऐसा आप लोग इतनी सारी रामायण बोलते हो कि नहीं बोलते। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, सीधा कहते इतने घंटे में पहुंच जाऊंगा। अब पहुंच जाऊंगा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सर्वज्ञ हो, सबको जान लिया हो, सारा जगत यही बोल रहा है। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो नहीं पहुंच पाता, ठीक है नहीं पहुंच पाता, लेकिन कह के क्या निकला था, कह के क्या निकला था, मैं पहुंचूंगा इतने घंटे में। नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही अपन को सोचना है, मैं ये कार्य करूंगा, भगवान जो आपने चाहा है, जिसलिए आप तुम मेरे मंदिर में बैठे हो, जिस कारण से आप मंदिर में बैठे हैं, वो एक एक कार्य मैं करूंगा। गुरुदेव आप मिल गए हो, जो जो कार्य आपके द्वारा साधना है, गुरुदेव मैं भी सब कार्य करूंगा। जिनवाणी को उठाते समय भाव करो, हे जिनवाणी माँ, जो तेरे पन्नों पर लिखा है वो सब मेरे लिए लिखा है, और मैं संकल्प करता हूँ कि तेरी एक एक बात को मैं अपने जीवन में करूँगा। पहला तो निर्णय कर लो, करूँगा, संकल्प कर लो। इसी का नाम निसंकेत अंग है, इसी का नाम पॉजिटिव सोच है, इसी का नाम पॉजिटिव सोच नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। देखो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, मैं पहुंच सकता हूं, पावर पॉजिटिव थिंकिंग, पहुंचूंगा पक्का मान के चलना, इतने घंटे में तुम्हारे पास मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मन में संदेह नहीं, विकल्प नहीं, पंचर ध्यान में आया नहीं, एक्सीडेंट ध्यान में आया नहीं, रास्ते में गड़बड़ हो सकती है ध्यान में आया नहीं, जाम लग जाएगा ध्यान में आया नहीं, एकदम अंदर से आवाज निकलती मैं इतने बजे पहुंच जाऊं। बीच की दुर्घटना है, आपने गायब क्यों कर दी, क्यों कर दी गायब, क्यों इतने दावे के साथ बुरा पहुंच जाऊंगा? शाम को सोते समय तुमने सुबह किसी दे दिया मैं सुबह आऊंगा, तुमने क्यों नहीं कहा कि रात में ऊपर चला गया तो भाई थोड़ी छूट है, ऐसा बोला करो कभी जाओ कि मैं सुबह आऊंगा यदि ऊपर नहीं गया तो।
भाषा ही नहीं, भाषा ही नहीं। सारा संसार का इतना जबरदस्त विल पावर है, जबरदस्त इतना बोलते हैं कल मैं आऊंगा, कल ये करूंगा, मैं ये कर लूंगा, बस इतना काम और है। बिल्कुल हर चीज में है, संसार के हर कार्य में तुम निशंकित हो, वो दुर्घटनाएं आपके ज्ञान का विषय नहीं बनती है और घट सकती है। बस वही आदत, वही संस्कार परमार्थ में लाओ, मैं ये करूंगा। छिनवाणी में जो लिखा है मैं करूंगा, नहीं कर पाए तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं आया, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसमें पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, पता नहीं क्या लिखा होगा, पता नहीं इसमें लिखा है कि मुनि बनो, घोर उपसर हो, नहीं कुछ मत सोचो, क्यों लाओ मत मन में भाव, मत लाओ मैं कर पाऊंगा नहीं, बस तुम तो ये कहो जिनवाणी में जो लिखा है मैं सब करूंगा, आज्ञा मानूंगा। मन में भी संदेह मत लाने दो कि मैं मान पाऊंगा या नहीं मानूंगा, नहीं मान पाए तो क्यों सोच रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं, हम मुनि बने, आचार्य महाराज मुनि महाराज बने, उसी दिन देखो खड़े होके हाल लेना पड़ता है, और यदि किसी दिन बीच में गोड़ो टूट गयो तो टूट सकता है कि नहीं भैया बताओ, हो सकता है हुए हैं जैसे बात नहीं, तो फिर गुरुजी ये बताओ उस समय तुम बैठ के खाने की छूट है कि मरना पड़ेगा। अब गुरु से पूछ रहे हैं गारंटी दो भाई तुम्हारा नहीं महाराज टूट गया तो अभी से पहले एग्रीमेंट कर लो, टूट गया तो बैठ के खाने की छूट है कि मरना पड़ेगा। बोलो कौन गुरु ये छूट देगा, गारंटी देगा? बैठ के खाने की छूट तो दी नहीं जा सकती, और मरने की भी नहीं कह सकते। जिनवाणी कहती है अभी तो नहीं टूटा है ना, नहीं नहीं अभी तो बहुत अच्छा है, तो फिर तेरे मन में ये शंका क्यों आई, ये संदेह क्यों आया? संसारी व्यक्ति संसार के कार्य करते हैं उनमें तो वो संदेह नहीं करते हैं कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूं कर पाऊंगा कि नहीं। किसान खेत में बीज फेंकता है ये संदेह तो नहीं करता कि कल आएगा कि नहीं आएगा, अंकुर आएंगे कि नहीं आएंगे, फसल लगेगी कि नहीं लगेगी, ये संदेह तो वो नहीं करता। और सारा संसार चल रहा है, बोलो रास्ते में एक्सीडेंट हो सकते हैं, सकुशल ज्यादा पहुंचते हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? बहुमत किसका है? सकुशल का। ऐसे क्यों विकल्प करते हो? आज तक धर्म मार्ग पर जो गए हैं सकुशल ज्यादा पहुंचे हैं और अकुशल लोग बहुत कम हैं। यहां भी यही है, सकुशल ज्यादा पहुंचे, सकुशल ज्यादा पालते। कोई नियम लेने वाले लोगों में नियम तोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है कि नियम पालने वालों की संख्या ज्यादा है? आप देख लीजिए, पालने वालों की संख्या है, है? हाँ। मंदिर के नियम लेने वालों में कोई भी नियम ले ले, मुनिव्रत लेने मुनिव्रत पालन करने वालों की संख्या ज्यादा है कि मुनि पद छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है? पालन करने वालों की है, पाल रहे, प्रतिमाएं लेकर पाल रहे, मंदिर जाने के नियम पढ़ रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग किया, होते हैं कुछ भ्रष्ट होंगे वो तो पक्का है, रास्ता है तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन तुम उन भ्रष्टों की तरफ मत देखो, जो सकुशल निकल गए हैं उनकी तरफ देखो। हम देखते हैं उन भ्रष्टों को जो मूर्ख कहलाते हैं, जो भ्रष्टों के उदाहरण देते हैं। एक बार एक गंजाइश थे उस मुनि विरोधी, तो वो हमेशा मुनि उनके आएगा, हम फलाने स्थान पर गए, एक मुनिराज थे वो ये कर रहे थे, वो चंदा उगा रहे थे, वो ये उगा रहे थे, वो ये उगा रहे थे।
तो एक बादशाहपुर में मेरे पास पड़े, बोले महाराज देखो आप मुनियों की हालत देखो क्या, मुनि कैसे हैं मुनि, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो आज तक कोई गंदा मुनि मिला ही नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं। जब तक मैं बुंदेलखंड में रहा यहां पर मुझे कोई भी एक भी गंदे मुनि के संपर्क नहीं हुआ, और ग्रस्त अवस्था में रहा मुझे कोई भी गंदा मुनि मिला, मुझे तो जब भी मिला इतना अच्छा मिला कि उससे अच्छा कोई है ही नहीं, जिनका नाम है संत श्रोमणि आचार्य, जिनका आज पदारोहण मना रहे हो, हमें मिला ही नहीं बुरा। महाराज जी आपको पता नहीं है, अरे एक महाराज अब वहां गए थे, ऐसे थे वैसे थे। मैंने कि भैया तुम्हारे पास गंदे मुनियों की लिस्ट है, अच्छे मुनियों की कौन से, अच्छे की तो बताओ, ये भी तो कहो, ये भी हुआ है क्या कभी, तुमने जब दिखे तुम्हें गंदा दिखे, तेरी आंख इतनी पापन है कि गंदे पापी लोग दिखते हैं, पापी को पापी लोग दिखते हैं, मूर्ख को मूर्ख लोग दिखते हैं, तूने जन्म जन्म में तेरी आंख ने पाप किया है जो गंदे ही गंदे दिखते हैं, कभी एक उदाहरण तो दे दे कि मैं फलाने स्थान पर गया था वहां बहुत अच्छे महाराज मिले थे, वो लिस्ट नहीं तेरे पास, अच्छे महाराजों की लिस्ट नहीं है तेरे पास। ठीक है मैंने माना जो तुम कह रहे हो वो गंदे हो सकते, मैं तुम्हारी बात को नकारूंगा नहीं, वो भ्रष्ट हो सकते, लेकिन कोई तो लिस्ट कभी तो तुम प्रवचन में बोलो, हमेशा कंजाइश लोग बुरे मुनियों की बात बोलेंगे, भ्रष्ट मुनियों की बात बोलेंगे, उनके मुख से कभी अच्छे मुनियों की बात निकलती ही नहीं है। एक बार रास्ते में मैं जा रहा था, वहां एक मोड़ पर बोर्ड लगा था, ये मोड़ खतरनाक है, ये मोड़ खतरनाक है, सावधान। तो मैं भी सावधान हो गया, कोई मोड़ खतरनाक, कोई टकरा सकता है। तो मोड़ मुड़ते ही मोड़ कहता है, बाबा जी आपने आभास कह रहा हूं अंदर का, कोई मोड़ बोलता नहीं समझाने, वहाँ मेरे मन में भाव आया, मोड़ कह रहा है जैसे, बाबा जी आपने भी मुझे खतरनाक मान लिया, आपने भी मुझे खतरनाक मान लिया, आप तो साधु हैं, कम से कम एक न्याय करके जाओ। कितनी गाड़ियां इस मोड़ पर सकुशल निकलती हैं और एक्सीडेंट साल में कोई एक आध होता है, बोर्ड सकुशल का लगा कि लाखों गाड़ियां प्रतिदिन इस मोड़ पर सकुशल निकलती हैं, साल में एक आध कोई एक्सीडेंट होता है और बोर्ड लग जाता है, ये खतरनाक मोड़ है। मैंने मोड़ से कहा, बहुत बात मोड़, तेरे साथ में हूं, तेरे साथ अन्याय हो रहा है, कम से कम आप लोग धर्म क्षेत्रों में अच्छा देखना शुरू करो, अच्छा सोचना शुरू करो, अच्छे महाराजों की लिस्ट लो, अच्छे भगवानों की लिस्ट लो, क्यों लेते हो खोटे भगवान का, वो खोटा, अच्छा भगवान बताओ कौन है, अच्छा गुरु वोट खोटो ना। सम्यक दृष्टि वह है जिसके पास तुम जन्म जन्म के पुण्यात्मा हो, तुम्हारे पास सदा अच्छे मुनियों की लिस्ट होगी, अच्छे मुनियों को खोजोगे, वो अच्छा मुनि है, वो बहुत अच्छा मुनि है, वो बहुत अच्छे आचार्य है, वो निर्दोष है। हम क्यों सोचेंगे खोटे है, तो है, खोटों को साइड में करो, चोखों की तरफ बढ़ो, खोटे को साइड में करो। तुम लोग भी उदाहरण किन के याद रखते हो, हम किसी को नियम दे ना, बच्चा नियम लेवे, अरे नियम देखो उसने नियम लिया था तो टूट गया, वो मुनि बना था वो छूट गया, अरे भाई इनका उदाहरण क्यों दे रहे हो, ये तो कहो कि देख उसने नियम लिया था, पूरी जिंदगी हो गई पालते हुए सकुशल पल रहा है। पॉजिटिव सोचो, क्यों सोचते हो कि मैं नहीं पाल पाऊंगा,
क्यों सोचते हो कि जन्मवाणी में जो लिखा है मैं नहीं कर पाऊंगा? संकल्प करो, करूंगा करूंगा। नहीं कर पाओगे अभी मन में भी भाव मत लाओ। 1,00,000 विद्यार्थी बैठते हैं, 1,000 की भर्ती होना है और 1,00,000 सब पढ़ने में लगे हैं, जी जान से लगे हैं। उनको भी मालूम है कि पास कितने होना है। सबको मालूम है कि नहीं? सबसे पूछना, क्यों भाई क्या कर रहे हो तुम, क्यों कार बेफालतू माथा फोड़ रहे हो, क्यों माथा फोड़ रहे हो, 1,000 की भर्ती है। फिर कहते साहब समय खराब मत करो, 1,00,000 में हर विद्यार्थी ये मान के चल रहा है, मान के चल रहा है कि मेरा नंबर 1,000 में है। और वो ये भी जान रहा है कि 99,000, बोलो ना, 99,000 फेल होना है और 1,000 पास होना है, फिर भी 1,00,000 दम लगाए हैं। इधर मोक्ष मार्ग में तो 1,000 फेल होना है और 99 पास होना है, तो भी तुम कह रहे हो कि नहीं मैं फेल हो गया। तो यहाँ 99,000 पास होते हैं, 1,000 फेल होते हैं। जो मैंने मूड का उदाहरण दिया ना, 99,000 लोग सही नियम पालते हैं, 1,000 भ्रष्ट होते हैं। 99% मुनि महाराज सही चर्या पालते, 1% मुनि भ्रष्ट हो जाते, छोड़ देते, बाकी यही रेशो रहा है। और वहां संसार के कार्य में 99,000 फेल होना, 1,000 पास होना है, तो भी लगे रहते हो। और यहां 1,000 का उदाहरण नहीं, मत सोचो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। चामुंड राय यदि ये सोच लेते कि मैं ऐसी मूर्ति बना पाऊंगा कि नहीं, ना का हाथ पकड़ लिया, चलो मूर्ति का दर्शन करना। अरे कहाँ ले जाएगा? बोले कहाँ ले जाएंगे, मैंने बीड़ा उठाया, मैं माँ की इच्छा पूरी करूंगा। करूंगा तो कैसे करेगा तू? मुझे पता नहीं, मैं करूंगा, बात खत्म है। कैसे करेगा, कहाँ है पावदन बाहुबली भगवान, कहाँ जाए? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने संकल्प कर लिया है, मैं तेरी इच्छा पूरी, कुछ नहीं। माँ ने समझाया, नैमी चंद महाराज ने समझाया, महाराज जी माता जी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरी आत्मा ने कहा है कि मैं माँ की इच्छा पूरी करूँगा। किस गारंटी पर बोल रहा है? क्या वो सर्वज्ञ था चामुंड राय? क्या अवधज्ञानी था? क्या मन पर्याज्ञानी था? क्या उसने जान लिया था कि हमें दर्शन होगा ही होगा, बाहुबली की मूर्ति मेरे हाथ से बनेगी ही बनेगी? क्या वो इतना सर्वज्ञ जान लिया? पत्थर टूट भी सकता था। और मान लो ये हुनर नहीं होता तो उसने तो भीड़ा उठा लिया, मैं बनाऊंगा, इच्छा पूरी करूंगा। मैं जब इस उदाहरण को देखता हूँ, मन की पागल थोड़ा तो संदेह कर भाई, तू सर्वज्ञ नहीं है, पंचम काल में है। सम्यक दृष्टि कहता है काय का सिंगल, करूंगा बस, नहीं कर पाया तो ये हमने सोचे ही नहीं, विचार ही नहीं किया, नहीं कर पाऊंगा बस करूंगा। समय कैसे मिल गया? एक उद्योगपति की उम्र 6 महीने रह गई थी, 6 महीने बाद मर गए। तो उनसे पूछा, तुम इतने बड़े कमाते रहे, विश्व के बहुत बड़े, बिना नाम के बता रहा हूँ, बहुत बड़े आदमी, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे। उनसे कहा, और उन्होंने 6 महीने पहले एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तुमने पूछा, अब तुम्हारी ये उम्र हो गई, तुमने ये नहीं सोचा कि जिंदगी भर इतना कमाया इसका क्या करोगे? अब उम्र, बोले मुझे सोचने का समय नहीं मिला। क्या जवाब था? मैंने सोचने का समय ही नहीं मिला कि मैं कमा के करूंगा क्या, मुझे ये समय ही नहीं मिला कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ना मुझे आज तक कभी ये ज्ञान में आया कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ना कभी ये ज्ञान में आया कि मैं ये कार्य करने के लिए जो कर कमा लिया क्या करूंगा। मेरे मन में एक ही विकल्प है, कमाने की ताकत है तो इसको क्यों खो, कमाओ।
बुद्धि है तो क्यों कहूं। मन की वाह रे वाह, धन का लोभी। बोले मैंने कभी सोचा ही नहीं, कभी दिमाग में, उन्होंने कहा मेरे दिमाग में नहीं आया कि इतने कमा के करूंगा क्या। मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, कमाने की कला है सो कमाओ, बस कमाने की कला है। नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तुम मर जाओगे कम पूरा नहीं कर पाओ। बोले ये मैंने नहीं सोचा, मैंने तो सोचा कि आज लॉन्च करने का मौका मिल रहा है तो कर लो। तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा कर पाओगे कि नहीं, बोले मैंने नहीं सोचा। मैंने तो ये सोचा है कि आज इसको शुरुआत करने की मौका है, बस शिलान्यास कर दिया। तुम इस उम्र में शिलान्यास कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, कर पाओगे कि नहीं, बोले मैंने नहीं सोचा। मैंने तो ये सोचा है आज करने लायक हूं तो कर लो। वो जब मैंने उनका पेपर में इंटरव्यू पढ़ा, मुझे बहुत शिक्षा मिली, बहुत कुछ उससे मिला। मन की वाह, धन का लोभी, एक धनी व्यक्ति इतना सोचता है, काश अपन सब धर्मात्माओं का मन धर्म के संबंध में इतना सोच लेवे तो अपना बेड़ा पार हो जाए। हमने नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैंने तो सोचा आज धर्म करने लायक हूं तो कर लूं, बस नियम लेना है तो नियम ले लूं, कल पाल पाओगे कि नहीं, इतना सोचने का मौका मेरे पास नहीं। आज मैंने सोच लिया, आज मेरी शक्ति है, आज मैं मुनि बन सकता हूं, कोई बाधा नहीं है, कल मुनि व्रत पाल पाओगे कि नहीं, ये सोचने का मौका मेरे पास नहीं है। आप संसार के, आप संसार के संबंध में कितने कार्य हैं आप कर डालते हैं। आप लोगों ने शादी विवाह किया है क्यों अनेकांत किया है? महाराज हमने किया, हमारे बाप ने किया है, सब कर रहे हैं। बोलो ये शादी विवाह चल पाएगा कि नहीं, गारंटी गारंटी बोलो। फिर भी पुट्ठा तुमने कर लिया, थोड़ा तो संदेह करो फेरे फेरते समय, क्या पता ये चलेगा कि। भाव भी नहीं आता, परिणाम भी नहीं आता, उस समय क्या भाव आता है? महाराज जी आप तो बस शक पैदा कर देते हो, संदेह पैदा, कैसे नहीं चलेगा? चलेगा ही चलेगा, दोनों बिल्कुल दृढ़ हैं, दोनों बिल्कुल एक संकल्प मान के चल रहे हैं जीवन भर का। एक्सीडेंट होते हैं, डाइवर्स होता है, होते आए हैं, हो रहे हैं, होते, फिर भी लोग विश्वास के साथ करते आए, वहां ध्यान नहीं देते। अरे मेरे एक दोस्त ने की थी शादी, उसका डाइवर्स हो गया था, कहीं मेरा ना हो जाए, परिणाम ही नहीं आते, परिणाम ही नहीं आते। अरे उसका हुआ होगा, मेरा थोड़ी होगा, मेरा थोड़ी होगा, उसका हुआ होगा, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा, मेरा थोड़ी होगा। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में ले लो ना भाई, कोई विपरीत मार्ग आता है तो आया होगा, मैं तो पूरा करूंगा। चामुंड राय कोई अवध ज्ञानी नहीं था, मात्र एक संकल्प, मैं बाहुबली के दर्शन माँ को कराऊंगा, कराऊंगा, बस करा दिए, ऐसे करा दिए कि आज सारी जगत के लोग उसका दर्शन कर रहे हैं। सदन जिनवाणी में जो लिखा है, कर लो संकल्प, मैं करूंगा, पूरा करूंगा। बंधु यदि ये संकल्प पूरा हो गया ना, ये संकल्प तुमने ले लिया, जिनवाणी के पन्ने पर जो लिखा है, एक 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 कार्य को मैं करूंगा, वायदा करता हूं, संकल्प करता हूं, मैं करूंगा जो लिखा है। और आप यदि मर गए तो चिंता मत करना, यदि इतना बड़े संकल्प के साथ मरे हो तो कर्म तुम्हें ऐसे स्थान पर पैदा करेगा कि दूसरे जन्म में पूरा करोगे, लेकिन करोगे। पाप कार्य में जब निदान बनता है तो धर्म कार्य में क्यों नहीं?
वहां कर्म का निदान बनता है, यहां धर्म का निदान नहीं बनता। संकल्प, यदि तुम इस बात के साथ मर गए कि मैंने कहा था जनवाणी में जो लिखा है सब पूरा करूंगा, और अंत समय ये बात पल गई, अगले भव में तुम इतने योग्य बनोगे कि सब कुछ करोगे जो तुमने पहले संकल्प किया था। इसलिए कोई भी निमित्त सदनिमित्त मिलता है उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना। जो बात मैं कह रहा था कि ऐसी खोटी पर्याय में तुम पैदा हो गए जहां सदनिमित्त मिलेगा कुछ नहीं कर पाओगे। एक मछली को त्याग कर लो बस, कौए का मांस नहीं खाऊंगा बस, गुरु मिलने पर इतना लाभ। अरे गुरु मिल जाए तो गुरु का लाभ तो इतना है कि गुरु को एक बार मिलने पर उनके आशीर्वाद से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और तू कितना छोड़ पाया, अहिंसा महाव्रत ले लेता है जिन गुरु के मिलने पर, जिन गुरु के दर्शन करने मात्र से सुकौशल ने मुनि दीक्षा ले ली। ऐसे कैसे दुष्ट कुल में जन्म गया कि गुरु मिलने पर मात्र कौए का मांस का त्याग कर पाया, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बुरा था, पूर्व भव में बुरे आदमी था, बुरा कर्म किया था, सदगुरु मिलने पर मात्र कौए का मांस त्याग कर पाया। बंधु आप लोग ऐसे नहीं हो, आप अतीत में बहुत पूंजी लेके आए हो, बहुत पुण्यात्मा होके आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि देव साथ गुरु का सानिध्य मिलने पर मात कल कही थी ना किसी जैनी से मुझे कहना पड़े शराब तो नहीं पीते हो, समझ लेना मांस तो नहीं खाते हो, रात में तो नहीं खाते हो, समझ लेना महाराज ने तुम्हें नीच समझ रखा है। और महाराज की दृष्टि यदि तुम्हारी नीच पने पे चली गई तो या तो नीच थे या नीच होगे। महाराज ने वो पूछ लिया जो जैनी को कुल परंपरा से नहीं मिलता, जो स्वप्न में भी नहीं होता। और कल मैंने कहा था क्या तुम दावा कर सकते हो कि महाराज जी आप क्या पूछ रहे हैं, मैं जैनी हूं, आप नियम मत लेना, ये मत कहना क्यों रात्रि भोजन तो नहीं करते, नहीं करता महाराज, नहीं करूंगा महाराज, शराब तो नहीं पीते, नहीं पीऊंगा, नहीं पीता हूं, नहीं ये मत कहना, ये मत कहना, इतने कहना महाराज जी आप ये नियम देने के पहले आप सोचो मैं जैनी हूं, बस इतनी काफी है। इसका अर्थ तुमने क्या क्या दिया, मैं जैनी हूं, और जब जैनी हूं तो ये पूछने की सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, जैनी मर सकता है लेकिन रात में भोजन नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, गुटखा नहीं खाएगा, जैनी काफी है। क्या ये पहचान तुम्हारी बन सकती है, बहुत ताज्जुब लगता है, इतना गंदा सात शौकों में जाकर तुमसे पूछना पड़ता है क्यों तुम शराब तो नहीं पीते, बता चौके में शराब का नाम लेना याद आना ही अंतराय है। अब तो ये आ गया यूं पूछना पड़ता है बड़े बड़े शहरों में, समझ गए भाई टालू, यूं करना पड़ता है, गुटखा तो नहीं खाता, बहुत बड़े समय। अब देखना मैं तुम्हें बता दूंगा, सुरेंद्र भारती मेरे से पूछना तुम तीन चार बता कि महाराज आप शाम को भोजन तो नहीं करते, पूछ तो सकते हो महाराज आप दो टाइम भोजन करते हैं, दूसरी टाइम भोजन तो नहीं करते,
पूछ के दिखाना थोड़ा, क्या पूछना मुझे, फिर मेरी आंखों को भी देख लेना थोड़ा, फिर मैं ये नहीं कहूंगा नहीं करता हूं, ये तो बहुत बहुत अपमान है। मैं इतना ही कहूंगा, पंडित हो इतना ज्ञान नहीं तुम्हें कि दिगंबर मुनि हूं, बस काफी है। दिगंबर मुनि हो, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन दिगंबर मुनि कभी भाव भी नहीं करता। तुमने क्या पूछ लिया? तो मैं तो थिलमिला गया ना, पूछ के देखना। अच्छा, दो चार चीज। महाराज जी आप शाम को भोजन तो नहीं करते? महाराज जी आप गुटखा तो नहीं खाते? पूछना पूछना ना, कोई बात नहीं। फिर मेरी हालत देखना, इससे बड़ा अपमान मेरा कोई दूसरा, यानी दुनिया की दृष्टि में मेरे प्रति क्या भाव हो गया? बिना दृष्टि आए बिना तुम पूछते क्या? तुम्हारे मन में शक हुआ कि नहीं, संदेह हुआ कि नहीं? उस मुनि को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। कौन सी बातें पूछी जो मुनि पद पर संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, असंभव, वो बातें पूछ ली श्रावक ने। इस मुनि को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा। ओ बेश्रम लोगो, तुम लोग और बताओ। तुमसे पूछा मैंने कि शराब तो नहीं पीते हो, कैसा लगा? तिलमुरा जाओ महानुभाव, और तुम्हारा आक्रोश इतना हो, महाराज जी थोड़ा संभाल के बोलो। क्या पूछ रहे हो? रात्रि भोजन तो नहीं करते? किसके चौके में पड़गाए गए आप? कोई नीच कुलीन के चौके में पड़गान हुआ क्या? हमने क्या मान के आए हो आप पड़गाने के लिए? यदि मैं रात तुमसे कहूं चौके में कि भाई रात में तो नहीं खाता, तुम्हारा ताव, महाराज जी आप क्या मान के आए बोलो? क्या उल्लुओं के चौके में आए हो? क्या मान के आए हो? ये जैन का चौका है, और मुझे कहना पड़े आई एम सॉरी प्लीज, मजा आ जाएगा, मजा आएगा, मेरी छाती फूल जाएगी जब किसी व्यक्ति से मैं कोई पूछूं और वो कहते महाराज जी आप सोचो, मैं, मेरे बाप दादे जैन थे और मैं भी, और आप क्या पूछ रहे हो? तो मैं अपनी गर्दन झुका लूं और धीरे से कहूं आई एम सॉरी प्लीज। घबराना मत, इस स्थान पर यदि महाराज को तुमने सॉरी कहलवा दिया, जाओ बेटा तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो, सबसे बड़े धर्मात्मा हो कि महाराज ने जो दृष्टि बनाई उसमें तुम खरे निकल गए। नहीं महाराज, जैन ही हूं, आपका भगत हूं, आपका भगत होकर के और आप क्या पूछ रहे हो? आपका भगत होकर के आप पूछ रहे हो गुटखा तो नहीं खाते? महाराज आप जानते हो मैं आपका भगत हूं। हाँ वो तो है, फिर आपने कैसे पूछा? आपने कैसे पूछा कि आपका भगत गुटखा खा सकता है क्या? हाँ नहीं खा सकता, आई एम सॉरी प्लीज। ये सॉरी मांगने का, क्षमा मांगने का मौका आप लोग मुझे कभी देंगे कि नहीं? कभी देंगे ये मौका कि नहीं? बहुत कठिन। और काश यदि मैं जैन मान करके तुमसे ये ना पूछूं, हो गया मेरे साथ धोखा कि भाई ये तो जैनी है, अच्छा कुल है, तुम्हारे बाप दादों को जानते थे, वे वृत्ति थे, त्यागी वृत्ति थे, प्रतिमाधारी थे, यहाँ तक कि जिन घरों में मुनि महाराज हुए हैं, अब यहाँ क्या पूछूं? यहाँ क्या पूछूं कि भाई तुम ये तो नहीं करते? नहीं पूछा, बाद में पता चला। क्या बोले? मैंने इसलिए नहीं पूछा कि जैन घर है, इसलिए नहीं पूछा अच्छा कुलीन घर है, इसलिए नहीं पूछा कि सब त्यागी वृत्ति रहते, और नहीं पूछा तो पता नहीं, बोलो क्या हो जाएगा? झूठ मत बोलना। यदि मैं नहीं पूछूं कि थाली नहीं देखूं,
नहीं पूछोगे हार शुद्ध के नहीं, तुम तो पता नहीं आलू भालू क्या पर हो, पूछना पड़ता है। मैंने देखा कि ये थाली दिखाने की परंपरा कहाँ से आई, आगम में तो थी नहीं। क्या पूछना, जैन था, जैन घर में गए हैं, सुकुल में गए हैं, वहां अशुद्ध कभी मिलता ही नहीं है। और आज यदि हम जो श्रावक खावे, शास्त्रों में लिखा है जो श्रावक खावे वो लेके आ जाओ, साधु के लिए ना बने। हाँ लिखा है साधु, जो श्रावक ने अपने लिए बनाया है वही तुम्हें हार लेना है। बोलो क्या होगा, क्या मौका दे सकोगे कि महाराज आप क्या पूछ रहे हो कि हार शुद्ध है, मैं जैनी हूं, क्या जैनी भी कभी अशुद्ध खाते हैं? मैं पूछूं कि भाई ये चीज भक्ष है कि अभक्ष? क्या महाराज आप बात कर रहे हैं, एक गजब की बात लिखी हमारे साथ में, जनपद शब्द, जनपद शब्द, श्रावक के जैन कुल में गए हो तो वहां कोई पूछने की जरूरत नहीं, तुम नहीं भी जानते हो तो इतने पूछना, तुम खाते हो क्या? बोले हाँ खाते, बस मुनराज ले ले, नए देश में गए हैं, वहाँ की नई चीज़ें मिलती हैं, अब उसको कैसे जाने, हम तो जानते ही नहीं। तो वहाँ लिखा है वहाँ के जो श्रावक हैं उनसे पूछना ना, आप लोग लेते हो वृत्ति लोग? बोले हाँ लेते हैं। मुनराज से कहा फिर तुम्हें कुछ भी नहीं पूछने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ के श्रावक लोग लेते हैं। पहली बार जब मैं महाराष्ट्र गया वहाँ पर स्थिति ऐसी विकट हो गई, मैं पहले जानते ही ना छिंदवाड़ा के आगे मुल्ताई वगैरह कोई तो वहाँ गए चौके में दिखाया सब थाली, महाराज ये मीठ है। अब मेरी हवा खिसक गई, अब मैं छुल्लक नया नया बना था, मुश्किल से 5-6 महीने हुए थे, जनवरी की बात थी और जून जुलाई के समय, अब वो मीठ दिखा रहा, देखने में मीठ लग नहीं रहा और बोल रहा महाराज ये मीठ है। अपनी हवा खिसक गई, मैंने यहाँ वहाँ देखा तो बढ़िया महाराजों के चित्र टंगे थे, अब मैं अंजलि खोलने को तैयार नहीं, अब वो सौगन पर सौगन करे जा रहा है, महाराज जी मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैंने आचार्य शांति सागर महाराज को दिए हार, मैं शूद्र जल का, मैंने कहा भला आदमी तूने सबको दिए लेकिन थाली में क्या रखे? कम से कम नहीं तो 7-8 मिनट 10 मिनट हो गए होंगे, अंजलि मेरा दिमाग भर गया क्या करूँ, और उसकी हालत देख रहे थे, मन आया कि उठ के चला जाऊं, पर वो ऐसे रोने लगा, ऐसी हालत उसकी, अब क्या करें, अब और कहीं से लक्षण नहीं था कि कोई अशुद्ध हो, सब कुछ शुद्ध था अब, लेकिन हमने तो पहली बार नाम सुना था। उसको उठवा दिया, थोड़ा बहुत दूध पानी लेकर के मैं आया, आचार्य सी को बताया, मैंने कि आचार्य सी आज आप तो जो प्राश्चित देना हो दो, जिस चौके में मीट था उसमें हार कर लिया। तो आचार्य कहा मीट था चौके में? मैंने कहा महाराज मीट लग तो नहीं रहा था, ऐसी ऐसी बात हुई, थाली में दिखाया तो तुम्हें क्या लग रहा था वो नमक? बोले पागल महाराष्ट्र में नमक को मीट बोलते हैं। मैंने कही जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर खो आए। अब बोलो क्या करोगे, अब नहीं जानते हैं तो नहीं जानते, और आज यदि इसलिए सबसे कहा पूछो जानो। जिस निमित्त की चर्चा आज प्रसंग में करना चाह रहा था, आज सद निमित्त जब मिलता है उसका उपयोग कर डालो, जितनी उस निमित्त में योग्यता है सब ले डालो, सुबह हुआ है दिन भर में क्या कर सकते हो कर डालो, शाम अंधेरी आने वाली है सूर्य के प्रकाश में क्या कर सकते हो कर डालो, धन मिला है धन से अच्छे कार्य कितने कर सकते कर डालो, आंख मिली है अच्छे कार्य कितने कर सकते कर डालो, कान मिले हैं अच्छा जितना सुन सको सुन डालो, अच्छा सुनाने वाला मिल जाए चूको मत, जिसका दर्शन मांगलिक हो जाए चूको मत, दृष्टवा भवंत मणिमेश चूको मत,
पलक भी मत झपकाओ, इतना समय खराब मत करो, क्या पता दूसरे क्षण ये दर्शन मिले या न मिले, पलक मत झपकाओ। क्या बात मान तुम राजा, दृष्टा भवंत मणिमेष बिलोक के नियम, मत झपकाओ, उतनी देर को भी बाधा मत पड़ो। सदनमित्र सामने है, पलक तो बहुत बार झपका लिए, लेकिन सामने सदनमित्र बैठा है, पलक झपकाने का भी समय खराब मत करो, मत करो, जो मिले सब कर डालो। आज ऐसा करने वाले पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्या सागर महाराज की जो बात मैं कह रहा था कि उनको जब ज्ञान सागर पसंद आ गए ना, पसंद आ गए, सन 1967 की घटना किशनगढ़ में, पसंद आ गए, सदगुरु देख लिया, लेकिन सदगुरु कहीं हाथ से चूक नहीं जाए, सब कुछ करते गए, सब कुछ त्यागते गए, जो कहा सब, वाहन में नहीं बैठोगे। आचार्य महाराज ने 22 साल की उम्र में वाहन त्याग दिया, क्योंकि सदगुरु से जो ले सकते हैं ले डालो, ले डालो, सदगुरु का कोई भरोसा नहीं, खोटे गुरु मिल जाएंगे बार बार, लेकिन सदगुरु मिलना बहुत कठिन है। सदगुरु की उम्र बहुत कम होती है, सदगुरु की उम्र बहुत कम होती है, सदगुरु की संगति माचिस की काड़ी के समान होती है, जला लो अपना दीपक, माचिस की काड़ी का कोई भरोसा नहीं। सदगुरु एक स्थान पर नहीं मिलते, आज यहाँ हैं कल कहाँ हैं कुछ बोले। आचार्य महाराज ने ज्ञान सागर को सदगुरु देखा, बस आचार्य से एक ही बात कहते थे, एक ही सुनाते थे, बस एक ही आकुलता थी। आचार्य से वृद्ध थे और हमें कुछ आता नहीं था, हमारी खाली झोली थी, बस एक ही बात आती थी, ले लो जितना लेना है, जितना लेना है ले लो, ले लो जितना लेना है, जितना मिलना ले लो, कभी भी ये सूर्य अस्त और हमें तो कुछ है। 10-10 घंटे पढ़ते थे ज्ञान सागर महाराज को, सामायिक के अलावा बैठने नहीं देते थे, आप तो दे दो मुझे, दे दो। चार साल में चौथी क्लास पास हो पाता व्यक्ति, और आज हमारे आचार्य सिंह ने 4 सालों में 40 साल का ज्ञान ले लिया। मिल गया सदनमित्र, ले लो जितना बना ले लो, जो कहा कर डालो, सदगुरु मिला है, सदगुरु मिला है। आचार्य सिंह कहते थे उनकी चर्या, उनका ज्ञान, उनका सोच, बस देखकर सुनकर यही भाव आता था, ये सब मेरे अंदर, उनका सोच उनका ज्ञान सब आ जाए, सब ले लूं, सब ले लूं। और सब ले पाए या नहीं ले पाए हम नहीं कह सकते, लेकिन ये भाव किया कि पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज से जो मिल सकता है सब लेना है, पता नहीं ले पाए या नहीं ले पाए, वो दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन आचार्य से उतना सब कुछ पा गए जो आज दूसरे के पास उतना नहीं है। वह सब कुछ उनके पास है, सब कुछ उनके पास, क्योंकि लेने का भाव किया। आज आचार्य पदारोहण समारोह है, आचार्य महाराज ने आचार्य बनने के लिए दीक्षा नहीं ली थी, किसी आचार्य के पास दीक्षा लेते तो शायद होता कि भाई मुझे आचार्य पद मिल जाएगा, नहीं, उन्होंने तो मुनि बनने का भाव किया था, मुनि बन के साधना करूंगा। लेकिन ज्ञान सागर महाराज ने जब एक छोटी सी उम्र में अंत में समाधि का समय आचार्य पद ले लिया नसीराबाद के अंदर, संघ ने बैठ के, समाज ने बैठ के सबने दिया, एक एलक सन्मति सागर जी थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा। आचार्य कल विवेक सागर महाराज की मुनि दीक्षा थी,
आचार्य विद्यासागर महाराज की दीक्षा पहले हो चुकी थी सन 1968 में, ये 69 की घटना है। प्रस्ताव रखा, ज्ञान सागर ने स्वीकार कर लिया। समाधि का समय है, संलेखना का समय है। सेठ जी वगैरह, ताराचंद जी गंगवाल वगैरह थे, बोले महाराज जी आप इस अवस्था में आचार्य पद आपने स्वीकार कर लिया, आपने कुछ बोले नहीं, आपने मना नहीं किया कि नहीं अब मेरी अवस्था नहीं है, समाधि की समय है, आप एक बार तो मना करना चाहिए था। ताराचंद गंगवाल थे, उन्होंने सुनाया, हम लोगों ने कहा क्योंकि महाराज के साथ स्वाध्याय करते थे, तो बोले इस अवस्था में तो आचार्य पद छोड़ा जाता है, आप ले रहे हो। ज्ञान सागर मुस्कुराए, थोड़ा रुको मैं इसका जवाब दूंगा, थोड़ा रुको जवाब। 69 की नहीं, शायद 70-71 की घटना है, ज्ञान सागर को आचार्य पद विवेक सागर की दीक्षा पर मिला था। सब ताज्जुब में थे, ज्ञान सागर जी क्या कर रहे हैं इस अवस्था में आचार्य पद ले रहे। 22 नवंबर 1972 को उन्होंने घोषणा की, मैंने आचार्य पद अपने लिए नहीं लिया था, मुनि विद्यासागर के लिए लिया था, क्योंकि इसकी चर्या मैं जानता हूं, इसे मेरे अलावा कोई आचार्य बना ही नहीं सकता, सारी समाज नहीं बना सकती, सारे दुनिया के लोग आ जाते, ना तो ये आचार्य बनने वाला था और ना किसी को दीक्षा देगा। आचार्य बने बिना दीक्षा देगा नहीं और ये आचार्य बनेगा नहीं, पक्का मान के चलना। मैं दे रहा हूं, देखो कितने नाटक कर रहा है, बहुत नाटक हुए, बहुत बात हुए, ऐसे दे पाए जैसे रामचंद्र जी भरत को अयोध्या भेज पाए। भरत और राम का संवाद जो चित्रकूट में हुआ, पंचायत बैठी, भरत मानने को तैयार नहीं, भैया आप चलो, पंचायत भी फैसला पक्ष में आ गया। तब रामचंद्र जी ने कहा अच्छा चलो मैं चलता हूं, मैं अयोध्या का राजा, लेकिन मुझे एक डर है, तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। तो भरत कहता भैया मैं आज्ञा नहीं मानूंगा तुम्हारी, मैं, हाँ मुझे संदेह। भरत कहते भैया क्या सबूत दिलाऊं, बोले सबके सामने सौगंध कर, सबके सामने सौगंध करो कि देवता सक्यम सक्य सयम कहते हम, मैं कभी स्वप्न में भी भैया राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। 3 बार बुलवा लिया, बड़े तो बड़े ही होते, वो बुलवाने के बाद कहा देख ले भरत प्रतिज्ञा, हाँ भैया प्रतिज्ञा ले ली, लो अयोध्या का राजा राम आज्ञा देता है कि मैं 14 वर्ष वनवास में रहूंगा, भरत अयोध्या को संभालेगा, टैक टू ऑर्डर। भरत कह रहा ये तो धोखा हो गया। यही स्थिति आचार्य महाराज की बनी, उनका मैं आचार्य पद पर, मैंने आचार्य बनने के लिए, मैंने तो मुनि बन गया काफी, ज्ञान सागर को आदेश देना पड़ा। रामचंद्र जी तो राज त्याग चुके थे, रामचंद्र जी तो राज त्याग चुके थे, चित्रकूट में उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया, मैं अयोध्या का राजा, ये शब्द बोले उन्होंने, त्याग कर मैं अयोध्या का राजा। अब वो त्याग करने के बाद अयोध्या के राजा क्यों बने, अपने लिए नहीं, मेरे राजा बिना भरत अयोध्या लौटने वाला, यही बात ज्ञान सागर महाराज की थी कि मेरे अलावा इसको कोई आचार्य पद नहीं दे पाएगा, और ये मुनि बन के अपना कल्याण तो कर लेगा लेकिन इस श्रमण संस्कृति का क्या होगा, कुंद कुंद की परंपरा का क्या होगा, मूलाचार का क्या होगा, समय सार का क्या होगा, और हम जैसे अनगढ़ पाषाणों का क्या होता है।
मैं आचार्य जी से ज़्यादा बार बार ज्ञान सार को नमस्ते बहुत जल्दी करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ। कहने मैंने कि ज्ञान सागर जी आपने आचार्य बना दिया तो कल्याण होगा, नहीं तो हम लोग, तो हम लोगों की बुंदेलखंड की कुंडली किसी से नहीं मिलती। एक बुंदेलखंड स्थान है जो सबसे ज़्यादा बदनाम रहा है। यहाँ कभी कोई मुनि महाराज नहीं होते थे ज़्यादा, एक आध बात अलग, और मुनिराज भी ज़्यादा नहीं आते थे क्योंकि ये पंडितों का गढ़ था। और सबसे ज़्यादा सोनगढ़ का एकांतवादियों का प्रभाव बुंदेलखंड टारगेट था, क्योंकि बुंदेलखंड शुद्ध आमना वाला है, कुंद को नामना वाला है। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में यदि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था तो बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ कोई दूसरी परंपरा, एक ही परंपरा है, और यहाँ पर सब पंडितों का गढ़ था। मुनिराज लोग आते थे तो बहुत सोच समझ के आते थे। पूज्य शांति सागर महाराज ने जब बुंदेलखंड से सम्मेत शिखर की यात्रा करने का मन बनाया तो वहाँ पूछा पंडित ने, कहा वहाँ महाराज रस सम्मेत शिखर जा रहा है, रास्ते में बुंदेलखंड पड़ेगा। वहाँ के विद्वान बहुत कुतर्की हैं, एकाध देवता को सिद्ध कर लो जिससे उनके मुंह बंद कर सको। चार्य चक्रवर्ती में लिखा है, महाराज ने कहा मैं पंडितों को वश में करने के लिए देवता सिद्ध करूं? इन पंडितों को देवता सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, मेरी चर्या इनको सिद्ध करेगी। सबको बुंदेलखंड में बहुत कम से कम मुनि बनते, कोई टिकते ही नहीं थे महाराज। मात बुंदेलखंड में कोई महाराज आते तो मात क्षेत्रों की वंदना करने के लिए। पूज्यवर शांति सागर, पूज्यवर वीर सागर, पूज्यवर शिव सागर, पूज्यवर धर्म सागर, जितने महाराज आए सब वंदना करके एक रूट बना देते, यहां से करके वंदना, क्योंकि बुंदेलखंड में कोई टिकने नहीं, इनकी कुंडली किसी से मिलती नहीं है। उनकी चर्या में कोई मूर्ति रखे था, कोई पंचामृत करता था, कोई स्त्री प्रक्षाल करता था, कोई कहीं 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 कोई कहीं, ऐसे क्रियाओं के कारण बुंदेलखंडी लोग टिकने नहीं देते, बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ती। क्योंकि बुंदेलखंड मात्र एक ऐसा है भारत में जहां कुंद कुंद की मूल परंपरा पहले से थी और आज भी है। कुंद कुंद स्वामी की मूल परंपरा का यदि भारत में कोई गढ़ है तो जिसका नाम है बुंदेलखंड। हर प्रांत में परंपराएं भिन्न दो दो हैं, हर प्रांत में परंपराएं दो हैं, एक एक मंदिर में दो दो परंपराएं चलती, एक एक मंदिर में दो दो थालियां लगती हैं, लेकिन बुंदेलखंड का अभिषेक का लोटा एक है, पूजन की थाली एक है, भरी भोजन की थाली अनेक है, लेकिन पूजन की थाली, अभिषेक का लोटा। कुंद कुंद की मूल परंपरा को सुरक्षित करने वाला पूर्णता प्रभाव जो बुंदेलखंड एकदम। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य पद लिया मुनि विद्या सागर को देने के लिए, और ज्ञान सागर महाराज ही मना सके, और कैसे मनाए, गुरु दक्षिणा दो मुझे, मैंने तुम्हें दीक्षा दी, 4 साल पढ़ाया है, मुझे दो। तो आचार्य से तो सीधे जाते, बोले मांग लो गुरु, क्या मांगोगे, क्या मांगोगे, जो मांगोगे मैं करूंगा। उन्होंने कहा देख ले वचन दे रहा है कि नहीं, हाँ गुरु जो मांगोगे वो दूंगा। उन्होंने समझा कि अंगूठा मांग लेंगे और क्या मांगेंगे, अंत में यही मिलता है ना कि एक लफ्ज से अंगूठा मांग लिया, और क्या मांगेंगे, दे देंगे गुरु को तो क्या फर्क पड़ता है। शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जा, लेकिन गुरु ने एक ही बात कही, वचन दे चुके हो, मेरा आदेश है ये आचार्य पद को तुम्हें संभालना है। समय आपका बहुत, कभी कई बार सुना चुका हूँ और सुना दूंगा। आचार्य पद बैठने के बाद कुंद कुंद की प्रतिलिपि, उन्होंने अपने लिए आचार्य नहीं बने थे, कुंद कुंद को जीवित करना था। कल्पना करो महानुभाव,
काश आज आचार्य विद्यासागर महाराज न होते तो दुनिया को तो छोड़ो, बुंदेलखंड का क्या होता। जिस बुंदेलखंड में खोजे से मुनि नहीं मिलते थे, आज भारत में सबसे ज्यादा मुनि किस प्रांत के हैं? बुंदेलखंड की कुंडली किसी गुरुओं से नहीं मिली है, मिली तो किससे मिली? और ऐसी मिली, ऐसी मिली, ऐसी कुंडली मिली, ऐसी कुंडली मिली कि वो आचार्य हैं और बुंदेलखंड उन्हें भगवान मानता है, ऐसी कुंडली मिली। वो वस्तुता कौन है? आचार्य परमेश्वर पक्का, इससे ज्यादा। लेकिन बुंदेलखंड के लिए क्या है? भगवान है। ऐसी कुंडली कोई बुंदेलखंडों की मिल जाए, अरे बुंदेलखंडी तो मुनि को भी मुनि बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बुंदेलखंड वो है जिन्होंने मुनि को भी भगवान बना दिया, ये बुंदेलखंड है, कोई साधारण हस्ती नहीं है। अच्छे अच्छे मुनियों को मुनि बना दे बुंदेलखंडे, अच्छे अच्छे मुनियों में भी बींग निकाल दे, अच्छे अच्छे मुनियों में भी नुक्ताचीनी कर दे। और ऐसे बुंदेलखंड के महाराज जो नुक्ता चीनी करने वाला, खा बाल की खाल निकालने वाला, छोटे से दोष देखने वाला, इससे सिद्ध होता है कि पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज कितने निर्दोष हैं। जो निर्दोष में भी दोष निकाल दे वो बुंदेलखंड उनको निर्दोषो सदोष तो छोड़ो, आचार्य को भी भगवान के रूप में देख रहा है, भगवान के रूप में। जब भी निकलता है किसी के मिले आचार्य भगवान निकलता है, यानी उनकी चर्या कितनी पावन पवित्र कि परीक्षा प्रधानी देश पंडितों का गढ़, उनकी दृष्टि में आचार्य ही नहीं रहे, वो भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। ये आचार्य महाराज की एक संस्मरण के साथ हमने सुनाया कि नहीं, निमित्त मिलने पर। और ये किसका चमत्कार है? आचार्य ज्ञान सागर का निमित्त मिलते ही आज विद्याधर ने ठान लिया, मुझे जितना लेना है सब लूंगा, सब करूंगा। सद निमित्त जब भी मिल जाए महानुभाव, अब हमारी और आपकी बारी है। आचार्य भगवान तो बहुत मिले हैं, भगवान तो बहुत बार मिले हैं, लेकिन आचार्य परमेष्टि के रूप में भगवान की श्रद्धा हो ये तुम्हारा सौभाग्य है। भगवान को भगवान मानना, भगवान को भगवान कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब श्रद्धालु एक आचार्य को भगवान का रूप देखने लग जाए, वो भी एक व्यक्ति नहीं, वो भी एक व्यक्ति नहीं, सारा ब्रह्मांड। आज आचार्य महाराज के 50वें दीक्षा दिवस समारोह पे सारे भारत ने एक शंखनाद करके दिखा दिया कि इस युग का कोई महान आचार्य है तो वो आचार्य विद्यासागर महाराज। 50वें दीक्षा दिवस पर जहां आचार्य श्री गए नहीं, जहां आचार्य श्री गए नहीं वहां भी लोगों ने कीर्तितम, श्रवण बेरगोल आचार्य श्री कभी गए नहीं, जहां उनका आमना के कोई विभिन्न प्रकार के थे वहां के भट्टारक ने, वहां के लोगों ने दिखा दिया, भली हमारी आमना कुछ हो, भली हमारी परंपराएं कुछ हो, लेकिन श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर थे और हैं। दावा किया महाराज जी उनको बहुत, आपकी परंपरा नहीं मानते, यहां की जो पुन्नार संगी परंपरा है दक्षिण की, पुन्नार संगी परंपरा दक्षिण की है, और ये तो कुंद कुंद की परंपरा को मानने वाले, वहां के जो विचार है वो मिलते ही नहीं, बोले वो मिले या ना मिले। और जो उनके विचारक आचार्य थे, जो विचारक साधु थे, उनके कीर्ति स्तंभ नहीं बने। इससे सिद्ध है कि आज पंचम काल में लोग सच्चे गुरु और आचार्य की पहचान रखते हैं। और सारे भारत में 50वें निर्माण दीक्षा दिवस समारोह पर क्या श्रद्धा दिखाई है, हजारों साल पहले से शायद ऐसा ना हुआ है, भविष्य की मैं क्या दिख रहा है। हर स्थान पर कीर्ति स्तंभ, हर स्थान पर उनकी स्मृति, और ये आचार्य भी 50वां पदारोहण समारोह है। हालांकि दीक्षा दिवस ही काफी है, आचार्य पदारोहण तो छोड़ देंगे,
लेकिन मुनि पद तो मोक्ष तक साथ जाता है। तो एक आदर्श आचार्य एक आदर्श परंपरा को जीवित करके आज लोग मुनियों से घृणा करने लगे थे, मुनियों से लोग घृणा करने लगे थे, और वे घृणा करने वाले लोग आज चरणों में पड़ रहे हैं। मुनि विरोधियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती और सारा भारत मुनि विरोधी हो जाता, लेकिन आज मुनि विरोधियों का जो सफाया हुआ है महात गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की चर्या में। जो जो लांछन उन्होंने लिखाए लोगों ने एक ही कहा, आप ये कह रहे हो इनमें बता दो, आप ये कह रहे हो इनमें बता दो। और अंत में कंजाइस्टियों की एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक ही बात कही थी कंजाइस्टों ने कि दो आदमियों से खतरा है सोनगढ़ को, भ्रष्ट और शीतलाचार्यों से खतरा नहीं मानते वो। जितने भ्रष्ट साधु बढ़ेंगे वो कहते हैं अपने लिए बहुत फायदा है, इससे अपने मानने वाले बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे वो भ्रष्ट होंगे लोग देख के आएंगे और अपनी बात मानेंगे, हाँ पंचम काल में मुनि नहीं होते, देखो ये भ्रष्ट है। वो माला फेरते हैं कि हे भगवान मुनि महाराज भ्रष्ट बने रहे, अंदर की बात कर रहा हूं। वो नहीं चाहते कि अच्छे मुनि हों, वो चाहते जितने भ्रष्ट शीतलाचारी मुनि होंगे उतना ज्यादा कंजाइस्टों का बहुमत बढ़ेगा, उतनी ज्यादा उनकी संख्या बढ़ेगी, और भ्रष्ट साधुओं के कारण से ही मुनि विरोधी तैयार हुए हैं। मैं मुनि विरोधियों को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं भ्रष्ट मुनियों को दोष दे रहा हूं कि उनकी चर्या को देख करके वो बढ़े। नाथ खतरा था और खतरा है और था, आचार्य विद्यासागर महाराज से उनको सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि उनकी चर्या में कहीं दोष नहीं था और हुआ। बोलो सब लोग, विद्वान लोग बोलो, सारे लोग जो दुनिया के लौट के आए हैं किस चर्या को देख के लौट के आए, कि पंचम काल में अभी मुनि चर्या है, पंचम काल में कुंद कुंद की छवि है। आज वो आचार्य से के संबंध में एक शब्द बोले सारे भारत में क्या हो जाता है, हंगामा। क्यों? सब लोग कहते जो तुम कह रहे हो वो है नहीं। तो आज श्रवण संस्कृति ध्वजा को फहराने वाले, श्रवण विरोधियों का मुंह काला करने वाले आचार्य पूज्यवर संत श्रोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जयवंत हों, जयवंत हों।